मेरठ में आज पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए शराब माफिया रमेश प्रधान के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की। जहां ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पुलिस ने शराब माफियों के दो मकान सहित गाड़ियों और अन्य सामान को भी सील किया है। करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पुलिस ने सील की। दरअसल जाने थाना क्षेत्र के कुराली और सिवाल खास कस्बे के बीच में जो सड़क बनी हुई वह काफी जर्जर हालात में है। 2 फीट पानी सड़क पर मौजूद है। अगर इस पानी में कोई बच्चा गिर जाए तो अनहोनी हो जाए। इस सड़क को बनवाने और नाला निर्माण करने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 2 दिनों से कुराली गांव में धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक भी कोई अधिकारी के मौके पर पहुंचकर सुध न लेने से नाराज आज तमाम ग्रामीणों में कुराली गांव से जानी ब्लॉक तक पदयात्रा निकाली। ग्रामीणों का कहना है कि वे प्रशासन की नींद तोड़ने के और खोलने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि विकास का ढिंढोरा पीटने वाले तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी इतना सब होने के बावजूद भी नदारद है। ऐसे में अभी तक भी ग्रामीणों को किसी ने किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया है, जबकि यहां के क्षेत्रीय विधायक से भी यह लोग पूर्व में शिकायत कर चुके हैं, साथ ही अधिकारियों के बीच चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन अब किसानों ने अपने इलाके में विकास कार्य कराने को लेकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। 2 दिनों से लगातार गाँव में अनशन कर रहे थे कुराली सिवाल मार्ग पर, और हमारी मांग है कि जो वहाँ कुराली सिवाल के बीच में जो रास्ता है उसकी हालत बहुत खराब है। लगभग 2 फुट पानी सड़क पर खड़ा है, वहाँ आना जाना दूर कि वहाँ निकलना भी दूर, कि वहाँ पर हालात ये हो गए कि अगर बच्चा उसमें गिर जाए तो पता नहीं क्या होगा। हम 2 दिन से वहाँ बैठे हुए हैं, आज हम कुराली से पद यात्रा करते हुए जानी ब्लॉक तक पहुँचे हैं और इनके प्रशासन के कान खोलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि जो हमारी मांग है, जो रास्ता बनाया जाना है, जो नाला बनाया जाना है, उसको अति शीघ्र बनाए, अन्यथा हम यहीं पर धरने पर और अनशन पर यहीं बैठेंगे। ग्रामीण NBC न्यूज़ के लिए।